अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ कि हम मैक्रोनीज़ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आ सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं कि हमें आज किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैक्रोनीज़ बनाने के लिए। तो हम शुरू कर, सबसे पहले हमें चाहिए मटर। मैंने सबसे पहले मटर लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया, उबाल के आधे घंटे के लिए मैंने इनको अच्छी तरह से उबाल लिया था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ कि हम मैक्रोनीज़ कैसे बनाते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी रेसिपी आप लोगों के सामने लेके आ सकूँ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि मैक्रोनीज़ कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैक्रोनीज़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने एक पैकेट मैक्रोनीज़ का ले लिया है। उसके बाद मैंने मटर लिए हैं, इनको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अदद शिमला मिर्च ली है। उसके बाद मैंने बंद गोभी यूज़ की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। उसके बाद चिकन लिया है, बोनलेस चिकन लिया है मैंने बिना हड्डी के। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली है और हाफ प्याज मैंने काटा है। उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए हैं और उनको अच्छी तरह से उबाल लिया है। तो हम शुरू करते हैं, और इसके बाद एक हमने अदर टमाटर को काटा है। तो हम शुरू करते हैं कि हमें मैक्रोनीज़ कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेजिटेबल्स को पका लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक देचकी फ्राई पैन लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच हम ऑयल का डालेंगे। ऑयल, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गाजरें लेंगे और इनको अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है कि ऑयल में गाजरों को पका लेना है। ऑयल हमने बहुत कम ही यूज़ करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। ये देखिए, हमने गाजरों को पकने रखा है, बस हमने हाफ फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं इनको पकाना। तो हम क्या करेंगे, तब तक हम दूसरी तरफ मैक्रोनीज़ को उबाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक देचकी लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैक्रोनीज़ डालेंगे। ये देखें, मैंने डाल दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, जब पानी का एक उबाल आ जाएगा तो हमने क्या करना है, इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून हमने इसमें ऑयल का डालना है ताकि ये जब पकना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े ना। दूसरी तरफ हम देखें, ये गाजरें हमने रख दी हैं, इनको हाफ कुक कर लेना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना हमने। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पकना शुरू हो गई हैं और ये अच्छी तरह से हो गई हैं हाफ कुक। अब हम क्या करेंगे कि इनको निकाल लेंगे एक प्लेट पे। अब हमने गाजर निकाली, अब हम क्या करेंगे कि शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च को हम डाल देंगे उसी ऑयल में और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसको भी हमने हाफ कुक करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पकना शुरू हो गया। इसको हमने हाफ कुक कर लेना है।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हाफ कुक हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये ले, अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम इसमें क्या करेंगे, बंद गोभी को फ्राई कर लेंगे। इसी को भी हम हाफ कुक कर लेंगे, फिर हम इसको भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखें कि मैक्रोनीज उबलना शुरू हो गए हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें, 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल का डाला है, ताकि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़ें। अभी अभी इनको और पकाएंगे अच्छी तरह से, फिर हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखें हाफ कुक हो गए हैं ये भी, अभी इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। ये देखें हो गया लाइट ब्राउन। अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखें अच्छी तरह से ये पक गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, सब्ज मिर्च। देखिए अब हम इसमें चिकन डालेंगे बोनलेस, इसको पकाएंगे अब हम इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 अदद चिकन क्यूब का पीस डालेंगे। अब हम इस मैक्रोनीस में जो मसाला होता है डिब्बे में, वो हम डालेंगे इसमें। हाफ पैकेट हम उसमें डाल देंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक का डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे, लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। ये देखें अब हम इस पे ढक्कन दे के इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे, फिर हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें मटर डालेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे जो हमने पका ली थी। उसके बाद हम इसमें बंद गोभी डालेंगे। फिर हम इसमें क्या करेंगे, गाजर डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। ये देखें, अब हम क्या करेंगे, इसमें चिली सॉस और केचप डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैक्रोनीज डालेंगे जो हमने उबाले थे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो एग्स उबाले हुए थे वो डेकोरेशन के लिए हम बाद में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, मायोनीज डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको निकाल लिया और बहुत ही अच्छे बने। आप घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।